नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे कुंडली मिलान विशेष में मैं आपको एक अनोखा अलग ही टिप्स लेकर आ रही हूँ। दिल चाहता है, यानी हम सबका दिल कुछ ना कुछ चाहता है। हमारे दिल की अंदर दबी हुई भावनाएं या हमारा सुख हम कैसे और कहाँ देखते हैं, हम अपने दिल की चाहत को क्या पूरा कर पाते हैं, यानी हम सबके दिलों में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, क्या वो पूर्ण होती हैं या नहीं होती। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, यानी मैं आपको इस विषय पर बताने वाली हूँ कि लड़के और लड़की की चाहत क्या है। एटलीस्ट हम हर किसी व्यक्ति के दिल में क्या है, ये हर कुंडली में लगा के देख सकते हैं। किंतु जब हम एक लड़का और लड़की की कुंडली को देखते हैं तो उसकी चाहत क्या है और वो कैसे पूर्ण करेगी, या क्या उसकी चाहत पूर्ण होगी, उसे कैसे देखें, उसके लिए यानी स्त्री या पुरुष अपने सुख की तलाश कहाँ से करेंगे, कहाँ देखेंगे, उसका कैसे पता करें। तो हमारा जो दिल चाहता है, ये तो आप सभी के लिए जो कुंडली मिलान नहीं करते उनके लिए भी देख सकते हैं। और विशेष रूप से अगर हम किसी की कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो उसमें अवश्य देखें कि लड़का अपना सुख कहाँ देखता है और लड़की अपना सुख कहाँ पाती है। तो इसके लिए हमारा नियम कि पहले हम देखते हैं कि इसे हम कैसे देखेंगे और कहाँ से देखेंगे, जो कि नवांश्वर कुंडली है। पुरुष स्त्री कुंडल में लगन या चंद्र लगन से देखेंगे। चाहत का भाव पंचम है और दिल जो चाहता है वो चतुर्थ है, क्योंकि हमारा दिल हार्ट वो चतुर्थ भाव से देखते हैं और चंद्रमा इसका कारक है। और पंचम भाव प्रेम का भाव है। पंचमेश कौन है, चतुर्थेश कौन है और ये किस ग्रह से संबंध बना रहा है, कहाँ गया चतुर्थ से या पंचम से। यदि प्रेम विवाह हो तो सप्तम भाव और सप्तमेश से इसका संबंध देखें, और यदि चतुर्थेश सप्तम में चला जाए, यानी वो अपना सुख पति या पत्नी में ही ढूंढते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। हमें बृहस्पति की दृष्टि या संबंध चाहत की पूर्णता को प्रदान करते हैं। शनि चंद्र युति कुंडली के किसी भी भाव में हो, या दृष्टि संबंध हो, या शनि चंद्र को दृष्ट करता हो, तो यह आपकी चाहत को बहुत बढ़ा देता है, चाहत की प्यास को बहुत बढ़ा देता है और उसे पूर्ण भी नहीं करता। और यही संबंध आपको प्रेम संबंधों में धोखा भी देता है, या कहते हैं कि आंसू आपके आंखों में आते हैं। तीसरा भाव मित्रता का संबंध है। मित्रता का भाव, जिनसे हम अपने इक्वल लेवल के लोगों से मिलते हैं, छोटे भाई बहन के अलावा हमारे वो मित्र जो हमारे बिल्कुल ऐसे तू तड़ाक करके जिससे हम बात कर लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ऐसे मित्र तीसरे भाव से देखें। और तीसरे से पंचम भाव मित्रता में प्रेम उत्पन्न करता है, और तीसरे से नवम और लगन भाव प्रेम में लाभ और भाग्य दिलाता है। यदि इन तीनों का शुभ संबंध आ जाए तो आपके दिल की चाहत जो प्रेम की है वो पूर्ण हो जाती है। मंगल लड़ाई झगड़े के बाद संघर्ष के पश्चात विवाह देता है, उस पे भी यदि शनि चंद्रमा की युति या दृष्टि हो तो यह आपको धोखा ही देगा या दिलवाएगा। हम एक चार्ट लेते हैं। दिल चाहता है, यानी दिल चौथा भाव
शनि, आपका दिल, ये एक स्त्री चार्ट में हम देख रहे हैं, स्त्री का दिल चाहता है कि वह कर्म करे ऐसा कि जिसमें उसका नाम हो बहुत हाई लेवल का कर्म करे। कैसे? क्योंकि चतुर्थे शनि है और चंद्रमा की राशि में ही गया। चतुर्थे शनि चंद्रमा की राशि में गया, हाई लेवल का वर्क करने की इच्छा दिल चाहता है। मेरे पास ऐसा काम हो, ऐसा ऑफिस हो कि लोग उसकी वाहवाही करें, लोग देखें, लोग मुझे जाने पहचाने, क्योंकि ये शनि है, धीरे धीरे सफलता दिलाता है। अब इस दिल चाहता में हम चंद्रमा को, जो मुख्य कारक है चतुर्थ भाव का, दिल का, हार्ट का, उसको देखेंगे तो वह छठे भाव में है। फिर भी यहाँ पे एक बार फिर चंद्रमा छठे भाव में होके उसके कामों में बहुत अधिकता की इच्छा दिखा रहा है कि मैं ऐसे काम करूं। चंद्रमा जल की राशि में, गुरु की राशि में शुभ काम करने की इच्छा और बड़े काम करने की इच्छा देता है गुरु, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और जल तत्व की राशि का है, मीन राशि का है, तो ये गहरे पानी में जाके, क्योंकि चंद्रमा भी जल तत्व का है, जल तत्व स्वामी, जल तत्व में आ गया, तो उच्च के कार्य की इच्छा, और वो कर्मेश भी है इस कुंडली का। चतुर्थ भाव के हिसाब से देखें तो भी वो मीन राशि में है, जो बड़ी राशि कही जाती है। मीन की राशि खुला आकाश है, यानी ऐसा आकाश कि वो कुछ भी काम करे उसका नाम रोशनी चारों तरफ। अब वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाती है या नहीं, इसको अगर आप देखें नवांश में, तो नवांश में चंद्रमा कर्म भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहा है, यानी उसकी इच्छा पूर्ण होती है, कार्य करने की इच्छा पूर्ण होती है। यहां दिल चाहता के नवांशा का, चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य, चतुर्थ से चतुर्थ में चंद्रमा की नीच राशि में बैठा है, लगन को देखता है, और यहाँ पे भी ये सुख भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया, यानी सुख उसे पति के पास पहुंचकर मिलता है। ये सुख उसे पति की सहायता से मिलता है कि वो दिल की चाहत पूरी कर सके, कर्म की इच्छा पूरी कर सके पति के सहयोग से, क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ में, अपने से चतुर्थ में, लगन से सप्तम में। ऐसे ही पुरुष का देखें, पुरुष की कुंडली का चतुर्थेश अपने से 12वें में, चतुर्थ भाव पर शनि और मंगल का प्रभाव, शनि और मंगल की दृष्टि, यानी घर में बहुत कलह कलेश है। उस कलह से व्यक्ति का दिल चाहता है कि वह घर से दूर चला जाए, ये इच्छा यहां दिख रही है, दूर चला जाए, घर से दूर रहे। और चंद्रमा यहाँ पर दिल की इच्छा, चंद्रमा दिल, दिल चाहता है, चंद्रमा पंचम में संतान की इच्छा, वो अपनी संतान से बहुत प्रेम करने वाला हो सकता है, या संतान यानी बच्चों में उसका दिल लगता है, बच्चे उसे बहुत पसंद है। इसी को आप नवांश में देखें, क्या इच्छा पूर्ति है, तो यहां देखें फिर से चतुर्थेश गुरु है, और गुरु दो शुभ ग्रहों के साथ कर्म भाव से चतुर्थ को देखकर इच्छा की पूर्ति कर रहा है, यानी उसके कर्म इतने अच्छे हो गए, शुभ ग्रहों के साथ हो गए, कि वह अपने इच्छा को पूर्ण कर पा रहा है। और जो चंद्रमा है, मन की, दिल की गहराइयों से जो इच्छा है उसकी पूर्णता देखें, तो उच्च का चंद्रमा भाग्य भाव में, यानी उसे संतान प्राप्ति भी होगी और वो भाग्य से सुख पाएगा। अब अगर हम क्या कहेंगे कि सुख उसे कहाँ मिलता है,
तो नवांश के सुखेश चतुर्थ भाव के स्वामी को देखे, उसको सुख कहाँ गया, चतुर्थेश, चतुर्थेश कर्म में गया। सुख की प्राप्ति उसे कर्म करने से मिल रही, कर्मा में, काम काज करने में। तो शुभ ग्रह साथ में है और किसी पाप ग्रह की मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल की ये दो शुभ ग्रह जिसमें बुध स्वराशि का होकर देख रहा है और गुरु यहाँ पे स्वराशि का होकर अपने घर को देख रहा है, यानी सुख उसे अपने कर्मा से मिल रहा। एक और चार्ट लगा, इस चार्ट में देखें, यहाँ पर भी स्त्री चार्ट में गुरु अपने से 12वें में है और चंद्रमा दिल 8वें में है। मैं अपने सुख को घर से बाहर ढूंढती हूँ और मेरा दिल चाहता है मैं गहरे ज्ञान में जाऊं और लोग मुझे मेरे ज्ञान के रूप में जाए। मंगल चतुर्थ दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और ये चंद्रमा मंगल की ही राशि में है, यानी अपने स्वामी से दृष्ट है, तो ये मन का मजबूत है। अष्टम में है, दिखाई नहीं देता कि उसके मन की इच्छाएं क्या है, ये किसी को दिखाई नहीं देती। अगर हम यहाँ पे देखें तो नवांश का चतुर्थेश फिर से गुरु है। अब सुख वो स्त्री कहाँ ढूंढती है, लाभ में, यानी वो अपने सुख को लाभ में तलाश करती है। लाभ मिलता है तो उसे सुख की अनुभूति हो जाती है। यहाँ ये मत देखिए राहु बैठा है या कौन देख रहा है, हमें देखना है चतुर्थेश कहाँ है। जहां गया, जिस भाव में गया, उस भाव से संबंधित कारकत्वों से उसे लाभ की प्राप्ति होती है। सुख लाभ में मिलता है। मन खर्च करने में चला गया, हाई लेवल के खर्चे में, सूर्य की राशि में, अपने मेष से सिंह में, पंचम में, यानी राजा के समान खर्चे और लाभ उसे जो मिल रहे हैं उसी में उसे सुख मिलता है। पुरुष चार्ट में देखें तो चतुर्थेश बुध है, लग्न में है, लग्न में स्वराशि है। मैं सुख अपने से ही ग्रहण करता हूं, मेरी इच्छा, मेरा सुख मेरे में ही है, मुझ में है, मैं स्वयं में ही अपनी खुशी, अपना सुख तलाश करता हूं। चंद्रमा यहाँ नीच का 6वें भाव में, मैं अपनी साधना अपने मन के कर्म से जीता हूं और मन के कर्म से, यहाँ मंगल की दृष्टि ने नीच भंग भी किया हुआ है, तो मेरे कर्म में मैं किसी को नहीं बताता कि मेरे मन में क्या है। मैं जहाँ काम करता हूँ अपने साथियों को, अपने लोगों को, मैं नहीं बताता कि मेरा कर्म कैसा है या मैं क्या करने वाला हूँ। मैं छिपा के मन की बात मन में रखता हूँ, लेकिन सुख की इच्छा अपने आप में ही पाता हूँ। क्या नवांश इसकी पुष्टि करता है? नवांश में देखिए ये इच्छाएं हैं और नवांश इसकी नियति है कि नियति में क्या मिलता है। नियति चतुर्थेश चंद्रमा ही है, कर्क राशि, चतुर्थेश चंद्रमा। तो चंद्रमा को कहां से सुख मिलता है? लाभ में। मन लाभ में चला गया, मैं अपने सुख को अपने लाभ में पा लेता हूं, जो मुझे गेन होते हैं उसमें मुझे सुख मिलता है। और यहां पर जुपिटर 12वें भाव से चतुर्थ भाव को देख रहा है, यानी मैं अपने खर्चे हाई लेवल के अपने आप से कर लेता हूं, मुझे खुशी होती, स्वयं के कर्म के लिए, स्वयं के सुख के लिए लाभ की प्राप्ति। मंगल स्वराशि का अपने लिए, खुद के सुख के लिए उसकी दृष्टि, मैं अपने सुख को प्रोटेक्ट करता हूं। हालांकि शनि भी देख रहा है, लेकिन मेरा सुखेश, मेरा चतुर्थेश लाभ में जाके लाभ प्राप्त करके सुख की तलाश कर लेता है। तो मित्रों ये है हमारा कि हमारा दिल क्या चाहता है, वो आप D1 में देखें
और आप अपने सुख को कहाँ पाते हैं, आपका दिल जो चाहता है वह कहाँ पूर्ति करता है, वह आप अपने चतुर्थेश वहां से कहाँ गया उसमें देखें। इसी में ही मैं अगर आपको कहूँ लव मैरिज का जो हमने प्रेम संबंध बताया था, पंचमेश को देखें, पंचमेश या चंद्रमा से सप्तम को देखें। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में है, सप्तम में शुक्र है, तो मंगल और शुक्र का संबंध यहाँ पे नहीं दिखता। नवांश में देखें, मंगल शुक्र आमने सामने हैं, चंद्रमा सिंह राशि का और यहाँ पे सप्तम में शनि है, तो सूर्य के साथ शनि का संबंध यहाँ पे केंद्र का है, सूर्य यहाँ केंद्र में है और शनि शुक्र के साथ विराजमान है, जो कि इस कुंडली का भाग्येश है, यानी यहाँ पर शनि की दृष्टि जो आ रही है वह कुछ ना कुछ अड़ंगा देकर विवाह, प्रेम विवाह करवा देगी, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, आपका मन पीड़ित नहीं है, तो ये प्रेम विवाह सफल हो जाता है। इस कुंडली में देखें, पंचमेश शुक्र और गुरु सप्तमेश, गुरु शुक्र समसप्तक में है, यहाँ पे एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें पंचमेश सूर्य और सप्तमेश शुक्र, ये दोनों भी यहाँ पे तीसरे भाव में यानी प्रयासों से, पुरुष के प्रयासों से प्रेम विवाह सफल होता है। हम पहले ही देख चुके हैं वो अपने सुख के लिए, अपने लिए, स्वयं अपने ऊपर डिपेंड करता है और स्वयं के प्रयासों से सुख पाता है, ये यहाँ पे हमें पहले ही पता लग गया। ठीक है, आपकी यहाँ क्वेरी अगर कोई हो तो आप मुझे जरूर अपने सुझाव, अपनी क्वेरी आप मुझे बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपके विचार हो अपने विचार दें, और अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। आप अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं तो 9810411384 पर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।